फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। देख जावेद, सारी बातें एक तरफ, बस ये याद रखना है मेरी इकलौती ती की शादी है और खाने में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। बिरयानी का चावल ऐसे अलग अलग बिफरावा हो और कोरमे की बोटी ऐसे हो कि उंगली लगे तो नाराज हो के हड्डी से दूर हो जाए, और जर्दे में खोया नहीं डालना, खोए में जर्दा डालना है, हैं? चल बाकी बातें मैं तुझे बाद में समझाता हूँ, खुदा हाफिज। मैं कहनी हां मेहंदी का फंक्शन इतना सोना सी, इतना जबरदस्ती मजा आ गया। और सोना कैसे ना होता, अजलान और इसरा जो नहीं थे खप डालने के लिए, लेकिन असल मारका आज है। हाथ चुक या खुदा, मेरी एक्टिंग को जिला बख्श दे, आमीन। बस मेरा ऑस्कर तो यही है ना कि मैं अजलान को धोखा देने में कामयाब हो जाऊं, बस। पहलवान जी तुसी फिकर ना करो, ए काम तो तुसी बचपन तो कर रहे हो हैं, सीने ही पड़े जाना। हां ए तो है, लेकिन मसला ये है मुंडा भी तो मेरा पांजा है ना, एक्टिंग के जरासीम तो उसमें भी हैं पड़े। लेकिन ख्याल रखना इसरा को कानो कान खबर ना हो, हैं? इसरा कार पे नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये वेला रखा है। वाह जी वाह पहलवान जी, मैं तुहाडी चलाकियां समझ गई हां, तुसी फिकर ही ना करो। किधर है अन्नी पुत्र, किधर है? ओ पार्लर गई है। अच्छा अच्छा, अब पार्लर क्या करने गई है? ओ तू समझ नहीं रही, मुलक की तरह ना हम भी इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अपनी पाजी कहा मैं हूं, इधर ना आए, जो मर्जी कहे। चा 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 चा। आया माँ आया, कुछ नहीं होता, तू फिक्र ना कर, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, सारी बेइज्जती का। हाँ जावेद, अब सुन, घर में ना मुझे एकदम सोग वाला माहौल चाहिए। ये जितने भी मेहमान आए हुए हैं ना, इनको कह दे ये गमगीन होके बैठे, ऐसे आंसू जो है ना वो पलकों पे रहे कि अभी गिरे कि अभी गिरे, और ये सारी शादी वाली चीजें जो है ना वो हमसाए के गिराज में रखवा दिए, देगे शेगे ये रेड कार्पेट सारा कुछ, और ये ढोल वालों के वो चुप करके साइलेंट हो जाए, उस तक से बजाई जा रहे हैं, ठीक है ना? मुझे माहौल चाहिए एकदम सेट। और याद आया, और तुझे मैंने कहा था ये फूल जो है वो साइड पे रख दें, तूने अभी से ही लगा दिया, और पकड़वाएगा तू मुझे यार, सारा प्रोग्राम खराब कराएगा। बस सारी चीजें स्टैंड बाय पे रख दी हैं, जैसे ही मुंडा कमरे के अंदर आ जाए बस पीछे से तूने ताम जाम शुरू करा देना, फिर आगे मेरा काम है, हैं? बस ध्यान में रखना है सोग का माहौल, फिर शादी का माहौल, स्टैंड बाय पे फोन हाथ में रखना। हाँ खुदा हाफिज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रोना तो बंद कर, हाय बेइज्जती तो हो गई अब काय का बदला। अरे रब्बा ये पुत्र, बड़ा अफसोस हो गया। अल्लाह मेरा भाई, अल्लाह मेरे भाई के दिन। हाँ भाई, तू यहाँ क्यों आया? तू भी तो यहाँ आया, मैंने तुझसे पूछा कि तू यहाँ क्यों आया। ओए अंदर तेरी कोई शक्ल नहीं देखना चाहता, चल शाबाश निकल जा यहाँ से, चल। अपनी शक्ल दिखाने नहीं आया हूँ, मामू की शक्ल देखने आया हूँ, यानी के आखिरी दीदार के लिए आया हूँ। आखिरी दीदार मतलब तू यूके वापस जा रहा है? हे मेरी दुआएं सुन ली अल्लाह ने, दुआएं कबूल हो गई मेरी, अब हटो मुझे तो जा रही तो अंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मामू जान अंदर लेग पीस और गाजर का हलवा फोड़े होंगे। पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो भाईजान, भाईजान। अब ये सब कुछ देख के तो ऐसी बातें जहन में आ रही, पर समझ में नहीं आ रहा यार ये किस्सा क्या है। भैया ना मेरे मेरे अरमानों का जनाजा निकल रहा है, और तुझे समझ नहीं आ रही? अरे अम्मा तू तो चुप कर यार। अरे क्या, अरे मुझे ही चुप करवा रहा है। क्या कहा तूने मामू? वाकई? अरे मैंने लाए हुए नहीं, पर जनाजा कौन उठाएगा? जा रहा हूँ। ओए रुको, कौन से मामू, कौन सी दुआएं, कहाँ कहाँ जा रहा है तू? अंदर नहीं जाने दूंगा मैं तुझे, कह रहा हूँ।
अंदर ना मेरे दिल की किरचियां फैली हुई हैं। अगर तेरा पैर ऊपर आ गया ना फिर से आह निकल जानी है मेरी। ओ मेरे भाई, इतनी दूर से मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, अंदर जाके देखना तो पड़ेगा कि मामला क्या है। ओए ब्रेक ला ओए। यहाँ मिट्टू के हाथ में जायका तो है। बस कर दियो खाना, बस कर दियो, मुंडा आने वाला जे। पता नहीं कितने घंटे बीमारी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। खाली पेट में से कुछ होता भी नहीं है। तुम ऐसा करो हनी को वापस बुला लो और उसे कहो कि बगैर मेकअप के भी निकाह हो जाता है। ओ पहलवान जी, कुड़ियां दे अरमान होंदे ने, ओनू छड़ दियो, आ जाएगी टाइम ते तुसी अन्नू मुकाओ। उल्टी खोपड़ी बात को समझ, जो मुंडा है ना उसमें एक नहीं दो शातिर दिमाग है, और ये तो मैंने बड़ी मुश्किलों से तरतीब लड़ी है उसको ब्लैकमेल करने की इमोशनली है। ये ना हो वेला निकल जाए, बुला कुड़ी को। खुदा दा वास्ते मुकाओ छेती कौन ना जे। ओए मैं मगी किदा फोन है। हां हेलो, अजान आ गया। ओए मैं अजान आ गया। हाय हाय भाई जी, हाय मेरे भाई को क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई? अरे भाई मुंह तो दिखाएं, आप जिंदा हैं? किस तरह ना तू कितों आ गई है, तू तो इतला भी नहीं कीती। एमएसटी से आ मेनू दस, तेनू ये खबर किन्ने देती है? लान ने फोन किया था कि भाई जी की तबीयत ठीक नहीं है, वहां पहुंचो। आई मैं मर गई इथे आ सा ना ओ बगैरत, आप किथे हर जगह फोन घुमाई जा रहे हैं? बाहर है बजलान, बाहर है, बाहर है। अच्छा मैं उन्हें भेजनी है, ठहरो। हाय भाई जी, एक बार कह दिया ना तू अंदर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, चल खड़ा रहा यहाँ पर। ओए बस दूंगा ना उल्टे हाथ का, तो गिरने से पहले ही मर जाएगा, चल साइड पे हो। आंटी आपको क्या हो गया? मामू मेरा भर है, तुम क्यों रो रही हो? शक्ल तो देखो इसकी, दूध का धुला लगता है, करतूते तो काफड़ो वाली है ना, सब जानती हूँ मैं, सब पता है मैनू तेरे बारे में। हाँ जी, मेरे मासूम बेटे का दुश्मन। ओ क्या पता है आंटी, मेरे पीछे कोई जासूस छोड़े हुए तुमने? जासूस छोड़ने की जरूरत नहीं है, तेरी करतूत है ना सब पता है मैनू, अभी शोर पा दूंगी ना तो सबको पता चल जाएगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा तू। हाँ और रहने दो आंटी, क्या पता है तुम्हें, अभी तो मैंने हानि की सहेलियों को ये नहीं बताया कि आपका बेटा मोहल्ले के निक्के निक्के बच्चों से टॉफियां चोरी करके खाता है। ओए ला बाजी, तुम पहले तक रहते ही खलोते हो, इतनी बिस्ती दे बाद ही तानू नहीं शर्म आई कि चले जाओ इधरो। मामू नहीं, क्या हुआ क्या? सारी मोहब्बत पा दे, सारी मोहब्बत पा दे उसी पे, अब तो सगा भांजा तो नजर ही नहीं आता तुझे। ओ चले जाओ बाजी, चले जाओ, को खुदा दा खौफ करो, कोई मौका मैं भी देख लिया करो। ओए निकल मानू लेते पार, निकल ले चल निकल। मम्मू का तो बता, मुझे लगता है मैं नहीं बच रहा। हाय ओए भाई जी, अजलाम देखो भाई जी क्या कह रहे हैं। अजलाम अजलाम तुम डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर को नहीं बुला लो ना, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर मेरा मतलब है थोड़ी आन तो एक मिनट पहले ना डॉक्टर हो गई है तो कह रहे हैं नहीं बच। हाँ कान में बताया होगा, मैंने तो नहीं सुनिया ना बाजी उनकी, मैं की करा ढोल बजा के बजावा कि मेरा मियां मरण आला है गए। हसीना जी मुझे लगता है मैं अपने दिल के अरमान दिल में ही लेके जाऊंगा। बेबसी से मौत किसी ने ना देना। नहीं मुझे लग रहा है कि मामू जी को ना मजीद हलवे की जरूरत है, नहीं, नहीं, मैं बंदोबस्त करता हूँ ना, अब वो पता नहीं जहन्नम में इतनी लंबी कतार होगी, अब नसीब हो या ना हो। नहीं पुत्र, अब मैं कुछ नहीं खाना, मेरी बुआ मर गई, मैं बस इस दुनिया से रुखसत होने से पहले ना अपनी बच्ची का हंसता बसता हुआ घर देखना चाहता हूँ। मासूम जी ख्वाहिश है मेरे नेक शौर दी। पुत्र मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करते हैं, इनकार ना करी, रद्द ना करी, आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे पुत्र। भाई जी क्या की हो गया तेनू है, मरदे वे भरा दी कि भी ख्वाहिश नहीं तुसी पूरी कर सकदे, कर दे ओ पुत्र। मैं बस चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में हनीमून से हुआ हनी की निकाह की बाबरकत तकरीब देख लूं। ओ हनी कितने वे हनी होवेगी तो बाबरकत निकाह होवेगा ना, मैनू तो लगता है सा मुक जानी है, कुड़ी दा मेकअप नहीं मुकना। हां मां जी चलो बाहर जाके बैठो, हैं रोटी खुलेगी तानू बुला लवांगी, चलो तुझे काम करते हैं ना, मैं वो जाके निकाह खां का बंदोबस्त कर लेता हूं, देखता हूं किधर है वो। पुत्र
तू परेशान ना हो, उसका इंतजाम मैंने कर लिया। वो तो काफी देर से ड्राइंग रूम में तशरीफ रख के बैठे हुए। भाई जी, तबीयत को कुछ अफाका हुआ? हाँ जी, बस कह रहे जल्दी से मेरी धी का निकाह करा दो। तो करा दो ना, तभी तो नफीस भाई सुकून से मरेंगे ना। तुसी तशरीफ रखो, बस बीमार आ रहे ने। मेरे से ज्यादा मैं जरा हरी नु कॉल करके आनी है, कितने रह गई है। मैं भी जरा मेहमानों को देखूं, बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। पुत्र ये तेरे पास आखिरी चांस है अपने एहसानात चुकाने का है। अरे आप फिक्र ही ना करो मामू, मैं इधर, मैं कहीं नहीं जा। तू कहीं ना जा, मेरा मेरा साथ, मेरे साथ, मेरे साथ। इसराइल थी, खर्चे से देखे बहुत साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अचानक अपनी झलक दिखा के कहां चली गई तुम? सब जगह ढूंढ लिया है, नहीं मिली, नहीं मिली। बस अजलान तो घर रह गया है, वहां अजलान का घर भी तो है, मैंने वहां मालूम नहीं किया। खुद से कैसे अंदाजा लगा लिया कि इसरा वहां नहीं जा सकती? अमल, अमल, तुम्हें पता है अजलान अचानक से शहर छोड़कर चला गया है? गया होगा, हमें क्या? कहां गया? पता नहीं मामू, उसका मुलाजिम बता रहा था कि दो दिन पहले कोई बीबी आई थी उसके घर पर और कल ही वो लोग चले गए हैं। कल चले गए? हाँ, उसने तो यही कहा था। क्या इसरा अजलान के घर आई थी? क्या लगती है वो अजलान की? अगर ये बात सच है तो अस्लान और अमल? नहीं नहीं, तो जरूर इसकी फोन वाली मंगेतर होगी। लगता है यही बात है, तभी हमसे मिलवाया भी नहीं और चुपचाप खिसक गया। टूटा फरेबी मक्कार, अब आए मेरे सामने, टांगे तोड़ दूंगी इसकी। हेलो हेलो, अरे आप दोनों क्यों सीरियस हो गए हैं? किन सोचों में पड़ गए आप दोनों? अरे आखिर वो घर बार जॉब छोड़कर कहाँ जाएगा? चंद दिनों की बात है, वापस आ जाएगा। वापस तो आ जाएगा, लेकिन तब तक शायद सब कुछ बदल चुका हो। चाचू, बदल जाएगा नहीं, बदल चुका है। अमल कैसी अजीब बातें कर रही हो, और तुमने क्यों मुंह लटका लिया है? कोई मसला है तो मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ। किसी को ना मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमल एक बहुत स्ट्रांग लड़की है, अपने लिए स्टैंड ले सकती है, किसी की जरूरत नहीं है उसे। अमल, मामू देख रहे हैं आप कितना ओवर रिएक्ट कर रही है ये। मामू कौन? मैं कौन? कौन है आप? एक तो मामू आपकी समझ नहीं आती, कब ऑन हो जाते हो कब ऑफ हो जाते हो, हद है यार। अमल हनी तो कितने रह गई है, मौलवी ने बैठे बैठे जम जाना चाहिए। तू आ रही है या मैं आवा फिर पार्लर? बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि भाई जी इतने बड़े ब्लैकमेलर निकलेंगे। आपके भाई की ना एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। असलान, एक्टिंग की दाद ना तुम फोन पे दे देना, हमारे पास मौका है, अभी तक हनी पार्लर से नहीं आई, तुम भाग जाओ। बिल्कुल नहीं खाला, अब तो ये किस्सा निपटा के ही जाऊंगा मैं। अजलान, सारी बिरादरी वालों की हमदर्दी इस वक्त भाई जी के साथ है, मैं कह रही हूँ तुम्हें, तुम भाग जाओ। अजी वो तैयार होने गई, वापस आएगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी भला? अजलान आ जा, हनी आ गई है। उतर, ये सारी बिरादरी वाले मिलके तुम्हें काबू में कर लेंगे, बहुत खतरनाक लोग थे इतना भाई जी को क्या था। वे
कितनी सोनी लग रही है। हाँ। इतना नूर बरस रहा है मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। खैर करे ज्यादा बरस गया। आजा भाई आजा, चल प्यो नू मिल। जाओ जाओ आखिरी सांस तुमको देख के ही लेंगे। आजा आजा आजा। अरे ये तो तैयार होके आ गई, अब क्या करें? चले चले चले। हनी पुत्र याद रखी, तेरे बाप ने जो वादा किया था ना वो पूरा कर दिया। जी डैडी जी जी। हसीना जी जी बुलाओ निकाह को, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने मरना भी है। अब भाई जी हमें भी तो थोड़ा टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई ये तो ना इंसाफी हो गई, अपनी बेटी को आपने पॉलर भेज दिया, इतने घंटों लगा दिए, उसने टाइम दिया ना, हमारे अजलान को भी टाइम की जरूरत है। अब मुंह तो धोले, सफर से आया लड़का। हाँ पुत्र, और मुंह धोने में ना देर लगेगी, वाइफ से फेस साफ कर ले। बस बस अभी आए, अभी आए। भाभी भाभी जी साथ शादी का सेटअप ऑन कर है, जल्दी शाबाश, आतिशबाजी किया नारा नारा नार और ढोल पे ना भंगड़ा भंगड़ा बना, शाबाश शाबाश। हाँ जी फिर शुरू कराइए निकाह। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब निकाह पढ़ाओ, आगे ही बड़ी देर हो गई है। हाँ जी मौलवी साहब निकाह पढ़ाएं। मुसम्मात हनी नफीस, आपको बाइवस 2 लाख रुपए सिक्का राजल वक्त मुसब्बी नवाब वल बादशाह। ओहो नहीं नहीं मौलवी साहब, मुंडे दा नाम अजलान हैगा, नवाब नहीं हैगा। नाम निके रखे मौलवी साहब, निकाह पढ़ाएं निकाह पढ़ाएं। नहीं नाम गलत है ना। अरे मुझे तो नवाब ही बताया गया है जी। गलत बताया गया है आपको, नवाब है ही नहीं नाम उसका। ओए मैं मर गई। और ये क्या मजाक है, अजलान का है? भाई जी अजलान तो आपके कफन दफन की तैयारी करने गया है, थोड़ा लेट हो जाएगा, अभी हमारे पास यही अवेलेबल है, आप ना बस जल्दी से अपनी बेटी के फराइज अदा कर दीजिए। ओ अजलान, ओ मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और धोखा दिया तूने मुझे। भाई जी धोखा तो आपने दिया है सारी बरादरी को। ओ चुप कर जाओ वरना सारा गुस्सा तेरे पे उतार दूंगा मैं। खालू जान मेरे लिए क्या हुक्म है? तेरे लिए तो, तेरे लिए हट जा, उठा के बाहर फेंक, अब मैं तेरी खुशियां खा जाऊंगा। और बाहर निकालो इसको, आजा आजा, और खाना खोलो और खाना खिलाओ, तो खा लो सारे को। अरे कोई बचाओ, कोई रोको, अरे अरे छोड़ दे, क्या आवाज आ रही मेरे बेटे ना। चलो मौलवी साहब चलो, और जाके खाना खिलाओ। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे, हर जगह जाके नाकाबंदी कर दे, मुझे अजलान इधर चाहिए अभी 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 अभी। ठीक है सरकार जो हुकुम। भाई जी आपको अजलान क्यों चाहिए, आप उसकी प्रॉपर्टी के पेपर वापस करेंगे क्या उसे? ओए अल्लाह तेरी जैसी बहन ना दुश्मन को भी ना दे, मैं तो उसको सूद समेत, मैं तो अपनी बेटी समेत उसको सारा कुछ देना चाहता था, लेकिन बड़ा चलाक निकला है वो, कैसे मछली की तरह तिलक गया हाथ से। लो जी देख लेता जी, ऐ ये तुहाडा भतीजा जिदे ते बड़ा इतमाद करदे सी हैं, चला गया ना तुहानू छड़ छड़ा के। वैसे भाई जी अच्छा नहीं किया आपने, वैसे अजलान के ना दिल में गिरा आ गई है, अब आप पे भरोसा नहीं करेगा। एक बात बता दूं आपको, अब आपका असली जनाजा भी होगा ना तो उसने मजाक ही समझना है ना। लो जी हुन आ गया जे तुहानू आराम, बड़ा यकीन सी तुहानू अपने भांजे दे उत्ते। लो जी चला गया रस्सियां तुड़ा के, मैं कहनी हां उनू इस वेले ही आग करो तुसी। मम्मी जी
मेरे डैडी को ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। अजलान जितना चलाक है ना, उतनी मैं चलाको मसी हूं। बस शादी होने दे और मैं उसकी जिंदगी इतनी अजाब करूंगी कि उसे ना अपनी नाना दादी दादा पर नानी पर दादी सब याद आएंगे। ठीक है ना डैडी? शाबाश है पुत्र, बिल्कुल सही कहा तूने। मैंने भी फैसला कर लिया, हम सब रांची शिफ्ट होंगे, वहां जाके अपना कारोबार भी सेट करेंगे और रिहाइश भी रखेंगे, ताकि ये मुंडा जो है ना, इसको मैं अपने काबू में रखूं। बहुत बड़ी गलती की है इस पेशवार करके मैंने। है ना रेडी जी? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस वे, चल तैयारी कर जाके। ठीक है। जोया जी, हाँ, आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन पे अगर हमने निराली जी को पेम्पर ना किया ना, तो उनका टेम्पर हम पे हाई हो जाएगा। शौकी शौकी, तो मतलब अंतर ज्वालामुखी पक रहा है, फटने भी बहुत जल्दी वाला है। कल तक तुम लोग जिस निराली को जानते थे ना, उसको मैंने दफना दिया है। अब बिल्कुल नई लकोर निराली तुम्हारे सामने खड़ी है। स्टील की नजर और स्टील की हार, बिल्कुल भी वक्त नहीं रखेगा। स्टुपिड हूं मैं, वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा, मैं बनती रही। वो मुझे एहसास दिलाता रहा कि वो मुझे पसंद करता है और मैं यकीन करती चली गई, मगर अब वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं आज की लड़की हूं, उसके गम में कुड़ने के बजाय मूव ऑन करूंगी। असलान की तो ऐसी की तैसी। कल मैं ये पहनूंगा, परसों ये पहनूंगा, तरसों ये पहनूंगा, फिर ये पहनूंगा। कल मैं ये पहनूंगा, परसों ये पहनूंगा, तरसों ये पहनूंगा, फिर ये पहनूंगा, फिर ये। कैसे लग रहा हूँ मैं अमल? अरे इधर देखो, कैसे लग रहा हूँ मैं? अजीब लग रहे हैं चाचू। तो क्या मतलब है? मतलब अजीबोगरीब तो आप पहले से ही हैं, लेकिन आजकल बिल्कुल ही कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं आप। बैठे बैठे मुस्कुराने लगते हैं, अजीब से कुछ हुआ क्या है? कुछ नहीं, कुछ थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा हूँ मैं आजकल। अगर कल मैं ये पहनूं तो कैसा लगेगा मुझ पे? ये तुम बहुत अजीब लगेंगे। क्या तुम रहे अमल? अमल अमल, मैं तुम्हें क्या बताऊं अमल, आज तो उसने मुझे आंख भी मार दी। तुम चलो मेरे साथ, आज तो मैं इसकी आंखें फोड़ के आऊंगी, बाकी चाचू वाले काम मैं बाद में देखूंगी। कभी तुम्हें दांत निकालती है, कभी तुम्हें आंखें दिखाती है, और कोई काम नहीं इसको दुनिया में। नहीं नहीं अमल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, है ना? नहीं, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी मुझे क्यों लग रहा है कि एक दफा फिर तुम्हें सीरियस मोहब्बत होगी? किसी को क्यों समझ नहीं आ रही है कि इस दुनिया में कोई किसी से सीरियस प्यार नहीं करता, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ उससे मिले बगैर। मैं जा रही हूं अमल। नहीं बेटा, नहीं, एक सेकंड बेटा, आप अपना मसला सुलझाए, सही है ना? मैं ये आपके कबर्ड में रख दूंगा, सही है? चलो बेटा, चलो 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 बाहर। कल मैं ये पहनूंगा, परसों ये पहनूंगा, तरसों ये पहनूंगा, फिर मैं ये लानत भेजता हूँ। मैंने सुन ली, आप मेरी बात सुनिए। जब आप मुझसे डील कर चुके थे, तो आपने इस प्लॉट का जिक्र दूसरी पार्टी से क्यों किया? कोई असूल होते ना बिजनेस के? क्या मैं किसी सूरत में भी जमीन नहीं छोड़ सकता? जी हाँ, मुझे अपने ऑफिस की ब्रांच कायम करनी है, वहां आइडियल जगह है वो। कोई बात नहीं सुनूंगा मैं आपकी, बस शुक्रिया। हद है वैसे, कोई असूल जवाबित होते थे, जुबान का पास होता था, अब तो कुछ भी नहीं। खैर जमीन मेरी है, कोई नहीं ले सकता मुझसे। A business is a business and a cup of tea is a cup of tea. Business कोई औरतों की हांडी बनाने का काम नहीं है। एक औरत ने जो है वो सब्जी काटी, दूसरी ने हांडी चढ़ा दी, तीसरी ने
हांडी को भूना, चौथी ने दम लगाया, पांचवी ने तड़का लगाया। नहीं 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 भाई, नहीं, बिजनेस नाम है मेहनत, जफाकशी, इसार, जज्बा, इत्तेहाद और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का। और भाई मैंने डिसाइड किया कि मैं आपका भाई सिकंदर आपके बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम, और ये फुलिया क्या बना रखा है तुमने? वैसे सिकंदर, तुम पहले भी ना अपनी जवानी में जब ये 80s के छछोरे हीरो वाली डिस्को शर्ट्स पहनते थे ना, तो अब्बा जान तुम्हारी खूब पिटाई करते थे, जूते पड़ते थे तुम्हें। अब्बा मालूम और आप दोनों का फैशन सेंस जीरो जीरो, नील पट्टा सन्नाटा। आप दोनों ने वही 80s के एक ही रंग के पांच स्वेटर खरीदे हुए और बाबा वही पहनते हैं। भाई जान कैसा लगता है आपको एक ही रंग के पांच स्वेटर बार बार पहनते? मैं कहा था स्वेटर से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता। मैं क्या इंपॉर्टेंट बात करता? कब तुमसे कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कभी? ओह, मैं एक खुशी की खबर सुनाना चाहता हूँ सबको कि मैं सिकंदर बहुत जल्द भाईजन का बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ। इन कपड़ों से नहीं लग रहा भाईजन आपको? कपड़ों से देंगे? एक मिनट, ऑफिस आने की तो चंदा कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और इस हुलिये में तो हरगिज नहीं। अगर कुछ करना है तो वो प्लॉट पे कब्जा हो गया है, उसको छुड़ाने की बात करो, उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढो, मर्द बनो मर्द। ये प्याजी फूलों की कमीज पहन के बातें कर रहे हैं आके। ऑफिस पे कब्जा? ओ माय गॉड, कब्जा जमीन पे? मुझसे इतना छोटा काम कह दिया भाईजन ने? भाईजी ये चाइना कटिंग, ये कब्जा, ये पथराव, गोलियां, ये सब भाई का उल्टे हाथ का काम है, आपको नहीं पता। अभी एक फोन मिला हूँ ना, दो मिनट में सब काम हो जाएंगे। पुन्नर जाग जा, स्टेशन आ गया तेरा। आ गए? अच्छा चाचू, ऑन अ सीरियस नोट, आपको कुछ करना पड़ेगा। प्लीज ये ड्रामा खत्म करें और कुछ करें। ये करेगा अमल? मैंने कुछ ज्यादा बदतमीजी तो नहीं करती भाईजन से? हर वक्त बेवकूफी बातें तो करते ही हो ना, आज बदतमीजी भी कर दी। अब बैठ जाओ चुप करके। भाईजन के पांव पड़ जाऊं जाके? बैठ जाओ। नहीं भाईजी। बैठ जाओ, तुम्हारा स्टेशन आगे, बैठ जाओ। सुन 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 मिस्टर प्रॉपर्टी डीलर, जो जमीन मैंने फाइनल कर लिया ना, अब वो मेरी है, वो तू अब किसी और को नहीं दे सकता। और ना ना ना, मुझे ये बातें ना सुना, मेरे सामने चिरचुर ना कर। मैं बस एक बात बता रहा हूँ कि ये ना समझना कि मैं तेरे से दूर हूँ तो तुझे कुछ कह नहीं सकता। और मेरा अपना शेर जवान पुत्र जो है ना, वो कराची में है और वो अनकरीब तेरे पास आएगा, और तेरे लिए यही बेहतर है कि तू वो बयाना पकड़ लेना। खुदा हाफिज। ये जो ऐसे कर रही है ना, है बड़े तुझे चा चढ़े अजलान से शादी करने के, तू करा ले शादी जाके। अभी कराची गए नहीं है, फड्डे पहले शुरू हो गए हैं यहाँ पे ना। मैंने पहले ही कहा था ये कराची हमें रास नहीं है, पहले तेरी फूफी ले आना पे असी, हुन तेरे लिए जाना पै रहा है। एक तो इस औरत के रोने खत्म ही नहीं होते। हसीना जी, तुसी जस्ट सेलिब्रेट करो, कराची पहुंचते ही ना एक बड़ा सा शानदार मैरिज हॉल बनाएंगे। हॉल के सामने लॉन, लॉन में रंगीन पानी के फवारे, और उसके अंदर झिलमिल जगमग हैं, और फिर कराची के खापे। आय हाय हाय हाय, चलो फिर तैयारी करो कराची की। डैडी जी, मैं तो कहती हूँ अभी चलते हैं कराची, तुसी आगे आगे ते असी पीछे पीछे। आई ते दी चमची पीछे पीछे है, जिन्नी चमचियां चलानी है चला ले, पर ऐ जेड़ी है ये ना ऐ खाली रह जानी, मैं तेनु दस रही हां। ली आई चलते हैं, और चलने हां। और चमची की क्या बात है, हम देगड़े चढ़ा देंगे, देगे चढ़ा देंगे तेरे लिए। डैडी बिरयानी बहुत मजे की है। हां मेरा पुत्र का शाम को एक और शादी है हॉल में, उसकी देग भी आ जाएगी। हां ना, तब तक और भूख लग जाएगी। हां मास तड़के। देखा तो था, इसरा थी नहीं थी, या अल्लाह अजीब कंफ्यूजन है। या अल्लाह मियां कंफ्यूजन क्लियर कर दे। गली का हर घर देख लिया, हर घर देख लिया, अजलान के घर में तो नहीं है? अजलान के घर में क्या करी हुई इसरा? फिर भी चेक कर लेने में क्या अर्ज है? या अल्लाह मेरी गौरे मकसूद मुझे मिल जाए, आमीन। एक ट्राई आखिरी, एक ट्राई आखिरी, दिल से दिल से बुआ, दिल से दिल से। ये
ये तो मेरी शर्ट है। हैं? तुम्हारी शर्ट है? हाँ। अम्मा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मामू आखिर कर क्या रहे हैं? कहाँ ये सारा सारा दिन व्हीलचेयर की जान नहीं छोड़ते थे, और अब देखो मेरी शर्ट्स पहनकर पूरे मोहल्ले में घूमते फिरते हैं। था भी मुझे भी इन पे शक है। एक काम करो, आज इनके पीछे जाओ, देखो कहाँ जाते हैं। जाओ जाओ जाओ। पागल हो तुम बंदे कहीं के? मैं अकेले काफी नहीं खुद को चोट लगाने के लिए, तुम भी मुझे चोट लगाओगे? पागल ना हो तो। अच्छा सॉरी यार। लगे किधर है? अरे चाचू वेलकम वेलकम, क्या बात है, आप तो पहचाने नहीं जा रहे, आज हमारे घर कैसे? अरे तुम हमारे घर में हमसे ज्यादा होते हो, हम बोलते। चुप कर रहा हूँ, तुम सही कह रहे हो यार, मेरी मुर्दा उम्मीदों पे उम्मीद की एक नई किरण फूटनी शुरू हो गई थी, मुझे लगा मुझे आना चाहिए, और किरण से मुझे याद आया तुम नजर नहीं आ रहे यार, तुम कहाँ हो? हमें लगा तुम अपनी फैमिली की लेने गए हो, ऐसा है? नहीं मैं तो अकेला आया हूँ। इसका मतलब है घर में कोई पहले से आ चुका है? हाँ बताओ कौन आया, कौन आया? देखो चाचू जो है वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, बताओ बताओ, नहीं बताओ छुपाओ, बताओ। मेरी छोड़े मुझे ये बताएं कि आपके घर में तो सब सेट है ना? मेरे घर में सब सेट है, तुम अपने घर की तफसील बताओ, तफसील। क्या बताऊं आपको, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या बताऊं भला? ये भी ठीक है, तुम भला क्या बता सकते, अभी मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। कुछ रोज पहले मुझे लगा तुम्हारे घर में कुछ मेहमान आए थे ना? आए थे, मेहमान तो आते जाते रहते हैं अक्सर, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आए थे ना? इसका मतलब है कि वो इसी घर में आई थी, जल्दी मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। सिकंदर बेटा मुस्तहकम रहो और डटे रहो। चाचू क्या हो गया, क्या सोचने लगे? देखो हर बात नहीं बताते, मन नजर लग जाती। वैसे बाय द वे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, मेरी जॉब लगने वाली है, भाईजन के ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट कुर्सी मेरा इंतजार कर रही है, आई एम बिजी नाउ। आप बात कर रहे हो, आप जॉब करोगे? अरे तो फिर शायरी? वो भी करेंगे, डिटेल में बताऊंगा, मैं आऊंगा ना तो तुम्हारे बारे में पूछूंगा, तुम्हारे दोस्तों के बारे में पूछूंगा, अहबाब के बारे में पूछूंगा, और रिश्तेदारों के बारे में पूछूंगा। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही चाचू। ये समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, ऐसी अंदाजा है, अंदाजा। ओह गुड बॉडी, कौन सी जिम जा रहे हो भाई? चाचू से ज्यादा बॉडी नहीं होगी? छोड़ो यार चाचू, आओ चलो चाय पीते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बस एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर आऊंगा, चाय भी पीऊंगा, चाय भी पीऊंगा। ओके चाचू वो क्या होता? अरे हेलो ब्यूटीफुल, क्या हुआ आप पहचाना नहीं क्या? अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? क्या बात है, किस लिए आए हो? इतने अजनबी अंदाज में क्यों बात किया जा रहा है? तुम्हें पता भी है कि आग का दरिया पार करके आया हूं मैं अभी? मेरे पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो लड़कों की झूठी झूठी बातों के जाल में आ जाऊं, मैं इतनी पागल नहीं। ये तो मुझे भी पता है कि तुम इससे कहीं ज्यादा पागल, लेकिन हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है बताओ तो सही। तुम्हें अगर लग रहा था ना कि तुम पूरी जिंदगी मुझे बेवकूफ बना सकते हो, सिर्फ तुम्हारी सोच थी। बेवकूफ? अरे क्या बात कर रही हो, बताओ तो सही हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ तो सही। ठीक है अब तुम नहीं बता रही ना, तो फिर मैं यहीं पे बैठा हूँ और वेट करूंगा जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। मैं ठहरू? अरे अमल इसको क्या हुआ? एक बात का तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया, अड़ियल खोता हो या फिर जवान एजुकेटेड जिद्दी तबियत मुंडा, दोनों को ना
अपने मुताबिक चलाना मुमकिन ही नहीं है। भाई जी, वो अजलान के बारे में बुरा मत सोचे, वो ना समझ है ना भी। ओ पैन मेरी है, मैं कब बुरा सोच रहा हूँ उसके बारे में। ओ पुत्र है मेरा अजलान, गुरूर है मेरा, फखर है। क्यों हसीना जी, आप भी कुछ मुंह से फूटो। हाँ जी, तेरे भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने सोच लिया कराची जाके ना मैरिज हॉल खोलेंगे और लोगों की शादियां अच्छे तरीके से कराया करेंगे। और कराची वाले मैरिज हॉल की सारी निगरानी जो है ना, वो अजलान पुत्र करेगा। भाई जी, दरअसल बात ये है कि अजलान को तो इस बिजनेस की अलिफ भी नहीं आती, वो तो आईटी का बंदा है ना। पैन मेरी है, मैं किस लिए हूं? मैं उसकी रहनुमाई करूंगा। गोल्डन वर्ड्स है, आईटी में मजा नहीं है, डिनर और हाई टी में मजा है। बड़ा पैसा है मैरिज हॉल के कारोबार में है। देख, पाकिस्तानी कौम सब कुछ छोड़ सकती है, शादी करना नहीं छोड़ सकती, वो करती रहेगी। क्या बात है, लेकिन भाई जी इतनी मेहरबानी की वजह? कहती है मेहरबानी की वजह, और क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अदाना अदा करना चाहता हूँ। दसो जी हसीना जी, कैसे गुजरी है मेरी सारी रात? परसों वाली रात नहीं, कल वाली रात का बताऊंगा। कल वाली रात? ना पूछ, तेरा भरा रो 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 पागल हो गया, इन्हें राती एहसास होया, बस फैसला हो गया, असीं कराची जा रहे हैं ते सारा कारोबार अजलान संभालेगा बस। अच्छा, मैं बताऊंगी उसे। अजलान को बताना भी सही और मेरी बात भी करा है। सोच क्या रही है, मोबाइल कहाँ है तेरा? फोन कमरे में मेरे। तो जा फिर छेती लेकर आ, अभी कॉल कर। अभी? अभी मेरी बात करा, बहुत याद आ रही है मुझे। अजलान। ना ना। ओह नो। निभाई जी। तुसी इतना चंगा रोंदे, इतनी चंगी एक्टिंग। ये मेरी तारीफ कर रही है या शर्मिंदा कर रही है? तारीफ कर रही है, मैंने तो असल तो रोना आ गया सी। आया तो आया फिर है। और पास कच्चे धागे प्यार के रिश्ते, क्या अब भी वो मुझसे प्यार करती होगी? क्या वो ही है? अमल, तुम्हें अजलान के साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है वो कितना दुखी है? कोई दुखी नहीं है वो, झूठा एक नंबर का। तुम्हें उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि वो झूठा है? बस चल गया पता, जैसे भी पता चला। आइंदा उसका नाम ना लेना मेरे सामने। ए, बात सुनो, मैं अजलान की शान में इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? चाचू, आप क्यों, क्या अजलान से मोहब्बत का बुखार चढ़ गया? जानते क्या आप उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में? क्या आप ये जानते हैं कि उसके मामू की बेटी का नाम हनी है? और यकीनन ये भी मालूम नहीं होगा कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यकीनन ये भी मालूम नहीं होगा कि बचपन से उनका रिश्ता तय हो चुका है। क्या ये बात तुम्हें अजलान ने बताई है? नहीं, अजलान ने खुद बताई है। भाई क्या हो गया, सीरियस है? तो बहुत उलझ गया मामला। भी देखो चिल है, चिल है, चिल है, चिल है दुनिया।